हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। दोस्तों, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की कंप्लीट तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिए बेल आइकन को ऑल करके प्रेस करें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोज़, लेटेस्ट नोटिफिकेशन और लाइव क्लास नोटिफिकेशन और जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उनकी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच सके। देखो दोस्तों, कि कल आपका 11 मार्च था और आपको हो सकता है अपडेट मिल गई होगी कि आवेदन की जो अंतिम तिथि है उसको बढ़ाने पर विचार किया गया है। हालांकि देखिए, अभी काफ़ी लोग कंफ्यूजन में होते हैं और कई सारी कमेंट करते हैं, जैसा कि बीएड के लिए योग्यता क्या है। ठीक है, तो योग्यता आप इस पूरी वीडियो में देखिए, आपको पूरा एक ये मास्टर वीडियो मिलेगा। मतलब अगर आप बीएड करना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो इस पूरी वीडियो को देखें, समझें और भी अप्लाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन उससे पहले इस पूरी वीडियो एंड तक वॉच करेंगे, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। जैसे कि बीएड के लिए योग्यता कितना परसेंट होना चाहिए, कितने परसेंट अंक होने चाहिए, लास्ट ईयर वाले क्या आवेदन कर सकते हैं, आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, हालांकि 15 मार्च है और लेट फीस अगर आप सबमिट करते हैं 22 मार्च कर दी गई है। ठीक है, लेकिन इसमें अभी ये पब्लिश नहीं किया गया है कि ये जो डेट है, जो डेट बढ़ाई गई है मतलब 31 मार्च की गई है, की जाएगी, तो ये क्या आप अगर लेट जैसे 15 मार्च के बाद आवेदन करते हैं तो क्या आपको लेट फीस देनी होगी? इस पर अभी कोई कुछ चर्चा नहीं की गई है, केवल यहाँ पर बढ़ाई जा सकती है ऐसा बोला गया। ठीक है, ऑफिशियली कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, तो इस पर मत जाएं आप सभी लोग। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब जारी होगी तब की तब देखा जाएगा। अगर आप बीएड करने के इच्छुक हैं, करना चाहते हैं, तो लेट फीस से बचें, 15 मार्च से पहले आप ऑनलाइन आवेदन करें। अच्छा, अब यहाँ पर बात ये आ जाती है कि सरकारी कॉलेज के लिए हमें कितनी तैयारी करनी होगी, कितने नंबर लाने होंगे। ठीक है, तो ये भी मैं बताऊँगा सभी वर्गों के लिए, और परीक्षा की तिथि क्या है, एडमिट कार्ड आपको कब मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब बातें आपको इसमें पूरे वीडियो में बजाने को मिलेंगी। और जो सबसे बड़ी बात है, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, हालांकि जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जैसे आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, आई प्रमाण पत्र हो गया, ये प्रमाण पत्रों में बड़ी समस्या होती है कि आप लोग कौन सी तिथि का अपलोड करें ना करें, क्योंकि आप ऑनलाइन आवेदन करने बैठ गए, उसके बाद में पता चला कि जाति प्रमाण पत्र और जो आपका आय प्रमाण पत्र है इसकी भी डिटेल देनी है, अपलोड करना है, तो फिर समस्या हो जाती है। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत सारी बातें हो गई। और वीडियो को अगर आपको समझ में आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। तो दोस्तों देखिए, थोड़ी सी समस्या भी आ रही थी कल, ये आपका नोटिफिकेशन कल का, हालांकि आपको मिल गया होगा, मैं एक बार दिखाना चाहूंगा इसकी झलक। 15 से बढ़ाकर 31 मार्च की जा सकती है ऐसा बोला गया है। ठीक है, और इसमें अभी तक केवल जो ऑनलाइन आवेदन हो पाए हैं 158,617। क्यों ऐसा हमने बोला? क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने करवाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो फीस सबमिट की गई है, आवेदन शुल्क जमा की गई है, अभी पेंडिंग है। क्यों? क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, उसके बाद में पूरा इनका फॉर्म नहीं भर पाया है। समस्या क्या है? कई सारे मेल आए, कई सारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉलें भी आई। समस्या ये हो रही कि जो प्रमाण पत्र, जैसे ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र हो गया, ठीक है, और अंतिम वर्ष के अंक क्या फिलअप करें? तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने साफ साफ बोला हुआ है, अमिताभ वाजपेयी जो हैं, इन्होंने ये बोला हुआ है कि आप ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, क्योंकि इसको बनने में समय लगता है, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तो आपका बन जाता है, लेकिन इसको बनने में समय लगता है, स्नातक अंतिम वर्ष के जो अंक हैं, रोल नंबर इत्यादि वगैरह, आप जो है इनको आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी क्या करें, अपना लिंग, मतलब मेल या फीमेल, कोई समस्या हो जा रही है तो बाद में इसको अपडेट कर सकता है, परीक्षा का केंद्र, विषय और भारांक, इसमें संशोधन कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको बताना बहुत ज़रूरी था। चलिए, अब हम लोग चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, जो कि कुछ जरूरी जानकारी आपको देना चाहेंगे। तो देखिए, पहले तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि कितने अंक होने चाहिए कि आप बीएड के लिए एलिजिबल हो, योग्य हो। तो बीएड के लिए आप, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या पोस्ट ग्रेजुएट हो आप, आपके जो अंक होने चाहिए वो मिनिमम 50% होने चाहिए। ठीक है, किस कैटेगरी के लिए? सामान्य और पिछड़े वर्ग कैटेगरी के लिए। ये केवल इनके लिए है कि मिनिमम अंक इनके 50% होने चाहिए। अगर आपने बीएड कर रखा है, सॉरी गलत बोल दिया, बीटेक कर रखा है, तो फिर आपका बीई या बीटेक है तो आपका 55% अंक होना चाहिए। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि गणित एवं विज्ञान में विशेषता आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके बाद में इंपॉर्टेंट डेट की अगर बात करें, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है, हालांकि इसमें कल आपका एक न्यूज़ अपडेट निकला हुआ था। तो अगर आप 15 तक ऑनलाइन आवेदन कर देते हैं तो आपको लेट फीस नहीं देनी है। अगर 15 से
15 के बाद करते हैं, 16 से करते हैं, तो 16 के बाद आपको फिर ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है वो है तो 22 तक, 22 मार्च तक, तो लेट फीस आपको सबमिट करनी होगी, ठीक है। बाकी उम्मीद है कि आपकी जो लास्ट डेट है वो बढ़ेगी। अब यहाँ पर बात आती है कि डाउनलोड कब कर सकते हैं एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड की जो तिथि है वो है 9 दिन पहले, एग्ज़ाम से 9 दिन पहले, यानी 19 मई से 9 दिन पहले, 10 मई को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और रिजल्ट की भी देखिए यहाँ पर संभावित तिथि बताई गई है कि 20 से 25 के बीच में आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा जून में, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आएंगे, देखिए फीस की भी बात कर देते हैं, लेट फीस आपको कितनी देनी होगी। तो लेट फीस जो आपकी है वो वैसे तो जनरल ओबीसी के लिए जो फॉर्म फीस है 1500 रुपये है, तो लेट फीस लगा करके यानी 500 लेट फीस लगाएंगे 2000 रुपये, और SST के लिए 250 लेट फीस लगा करके 1000 रुपये, और जो अन्य राज्य वाले स्टूडेंट हैं, अन्य राज्यों के स्टूडेंट हैं, उन किसी भी वर्ग का हो 2000 रुपये, 500 इनको जो है लेट फीस सबमिट करनी होगी, ठीक है। अब इसके बाद देखो लेट फीस का वेट ना करें आप लोग कि लेट फीस हमें सबमिट करना पड़े। अब आप ये ध्यान दीजिए कि आप लोग जब ऑनलाइन आवेदन करते हैं कुछ छोटी गलतियां हो जाती हैं कि आप स्टार चिन्ह वाली जगह को जरूरी नहीं समझते हैं, तो स्टार चिन्ह जहां पर इस तरीके से लगा हो उसको आपको भरना अनिवार्य है, नहीं तो आप पंजीकरण के बाद में आगे जो ऑनलाइन आवेदन पूरा कंप्लीट करना होगा वो भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देना है कि कहा गया है कि भाई जैसे आपने पंजीकरण कर लिया, उसके बाद कुछ लोग करते हैं क्या, कहें पंजीकरण कर लेते हैं मतलब रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, उसके बाद में फीस सबमिट करना भूल जाते हैं, फिर वो सोचते हैं कि हमें मौका मिल जाए हम फीस सबमिट कर पाए, तो मौका नहीं मिलेगा। और इसमें साफ साफ ये बोला गया है कि आपका आवेदन अपूर्ण माना जाएगा, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। आ जाइए फीस के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सभी कैटेगरी को ध्यान से देखना होगा इस वीडियो को। देखो सामान्य हो गया, अन्य पिछड़ा वर्ग हो गया, SC ST वाले जो स्टूडेंट हैं, अब यहाँ पर बात करेंगे जो SC ST और OBC वाले स्टूडेंट हैं, इनको अपना जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2018 के बाद का ही बना होना चाहिए, ये ध्यान देना है, ठीक है। मतलब 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको, और डेट ध्यान रखनी 1 अप्रैल 2018 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि जो आय प्रमाण पत्र है तो 1 जुलाई 2020 के बाद का आपका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान देंगे, रिजर्वेशन के लिए बात कर रहे थे, तो अनुसूचित जातियों को यानी 21%, अनुसूचित जनजातियों को 2%, पिछड़े वर्ग 27%, और यहाँ पर जो EWS वाले स्टूडेंट हैं 10% के आरक्षण के साथ में सीटें मिलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पर अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को मेरिट सूची के आधार पर जो है इनको 5% स्थानों पर ही प्रवेश दिया जाएगा। चलिए इसके बाद में आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि ये तो मैंने आपको बता दिया, 9 दिन पहले ही आपका जो है एडमिट कार्ड आ जाएगा परीक्षा तिथि से पहले। अब थोड़ा सा जानकारी यहाँ पर ये ले लीजिए, मैं यहाँ पर बात करूँगा कि आपका जो प्रश्न पत्र है 2 प्रश्न पत्र रहेगा, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रथम प्रश्न पत्र में आपको सामान्य ज्ञान के प्रश्न मिलेंगे 50, और 50 आप हिंदी करना चाहते हैं या इंग्लिश करना चाहते हैं कोई भी कर सकते हैं, 50 प्रश्न करने होंगे, कुल आपको 200 अंक का ये प्रश्न पत्र मिलेगा, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद में आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि द्वितीय प्रश्न पत्र जो है इसमें आपको रीजनिंग के 50 क्वेश्चन मिलेंगे, और जिस वर्ग से होंगे आप, जिस विषय जिस वर्ग से होंगे उसके 50 क्वेश्चन मिलेंगे, तो टोटल ये भी जो आप प्रश्न पत्र है ये 200 अंक का होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कोशिश ये करनी होती है भाई, देखिए जो जहाँ पर आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, जैसे रीजनिंग हो गया, रीजनिंग मैक्सिमम सभी कर सकते हैं, ठीक है, बस आपकी स्पीड और प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि अगर आपको सरकारी कॉलेज में अगर एडमिशन चाहिए तो आपको ये कोशिश करना होगा कि 140 क्वेश्चन आप 140+ क्वेश्चन सही करके आएँ, ठीक है। 140 क्वेश्चन अगर आप सही करके आ रहे हो तो 280 के आसपास आपके नंबर आएंगे, 280 प्लस करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि सीटें जो आपकी हैं 12,000+ सीटें हैं और EWS की सीटें बढ़ा दी गई हैं, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि केवल 12,000 सीटें हैं, उसमें हमको 12,000 के अंदर रैंक लानी है, ठीक है भाई। देखा जाए तो जितने अभी तक ऑनलाइन आवेदन हुए हैं उसकी अपेक्षा तो आपकी रैंक तो आ सकती है, लेकिन भाई नंबर भी अगर कम होंगे तो भी रैंक आपकी बन जाएगी, एवरेज वाले स्टूडेंट जो हैं उनको भी सरकारी सीट मिलने की संभावना बढ़ जाएगी, लेकिन जब अधिक आवेदन हो जाते हैं तो कंपटीशन बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए इस पर बात नहीं करेंगे, बाकी आपको एक कोशिश ये करनी है कि आपके जो नंबर हैं वो 280 प्लस रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर निगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो 1/3 थी पिछले वर्ष, ठीक है, तो इस बार भी 1/3 ही रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बाकी जो आपको नंबर मिलते हैं फ्री वाले नंबर जो बढ़ते हैं वो कैसे बढ़ते हैं, जैसे आप
खेल कूद प्रतियोगिता में भाग लेते रहते हैं तो प्रथम आते हैं, ठीक है, वो राज्य स्तर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो 15 नंबर मिलेंगे, दूसरे स्थान में आने पर 10 नंबर, 5 नंबर तृतीय स्थान में आने पर। अब अच्छा, एनसीसी अगर आपने कर रखा है, ठीक है, सर्टिफिकेट आपके पास जो है सी का है, ग्रुप सी का, तो फिर आपको यहाँ पर 15 नंबर, बी प्रमाण पत्र है तो 10 नंबर, इस प्रकार से आपको जो है नंबर मिलेंगे। लास्ट डेट से पहले ही, जिस लास्ट डेट कौन सी, लेट फीस वाली लास्ट डेट, ठीक है, उसका इंतजार ना करें। आप 15 मार्च तक अपना फॉर्म ऑनलाइन आवेदन कर दें, हालांकि जब डेट बढ़ाई जाएगी तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, ठीक है, तो उसका वेट ना करें। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं करें, कोई समस्या आ रही है तो कमेंट से में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे कि फॉर्म कैसे भरना है, क्या समस्या आ रही है, तो उनको देख करके ही आप अपना फॉर्म ऑनलाइन आवेदन किया करें। जय हिंद। कोई समस्या हो पूछें जरूर। क्लास चल रही है, आप लोग ज्वाइन करें, दिन में क्लास चलती हैं, इवनिंग में क्लास चलती हैं।